बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411084214 और 9953737799। पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पैरावेट हैं, फार्मासिस्ट हैं, पशु सुरक्षा अधिकारी हैं, हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं, दवा प्रतिनिधि हैं। ये जो है जोखिम भरा काम करते हैं, रात दिन सेवाएं करते हैं, इनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। इस तरह हमारे क्षेत्र में महिलाओं ने पदार्पण किया, महिलाएँ भी हमारे साथ काम करने निकली। अगर हम विभागीय कर्मचारियों के साथ अधिकारियों के साथ इस तरह दुर्व्यवहार होगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे। और हम चाहते हैं सरकार से कि ऐसे जघन्य अपराध को फास्ट ट्रैक कोर्ट में 45 दिन नहीं बल्कि 15 दिन के अंदर ऐसे अपराधियों को सजाए मौत दिया जाना चाहिए। दूसरे हम न्यायालय से निवेदन करते हैं कि न्यायालय की लेट लतीफी से अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को धक्का पहुँच रहा है। ऐसी कंडीशन में हम भारत सरकार से और अपने न्यायालय महोदय से मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को सजाए मौत से कम कोई सजा जो है नहीं मिलनी चाहिए, जिससे भविष्य में अपराधी जो है अपराध करने के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाए। जो पशुपालन विभाग में हर संवर्ग के लोग आहत हैं, पूरा देश आहत है और हम लोग चूंकि सेवा से जुड़े हैं सीधे, इसलिए ज्यादा आहत है। विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में हम लोग पशु चिकित्सा सेवाएं देते हैं, जिसमें सुरक्षा नाम की चीज केवल सामाजिक मान्यताओं के आधार पर है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं, जघन्य घटनाएं अगर चलती रहेंगी तो हम लोग अपनी सेवाएं कैसे दे पाएंगे। और खास करके ये बहुत अच्छी बात ये थी कि महिलाएं इस सेवा में आने लगीं, लेकिन अगर उनके साथ इस तरह की दुर्घटनाएं होंगी तो आने वाले भविष्य में उनका मनोबल टूटेगा। जबकि पूरे देश में महिलाओं को का मनोबल बढ़ाते हुए उनको हर क्षेत्र में आगे किया जा रहा, तो ऐसे जघन्य जो कुकृत्य हुआ है इसके लिए तो उन्हें अविलंब फांसी दी जाए और जो भी दूर दूर तक इसके कल्प्रिट हो उनको भी कठोरतम सजा दी जाए।